आज हम बात करते हैं अपने बच्चों के हेल्थ के बारे में। हम जब अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो परेशान हो जाते हैं कि उनके खाने में क्या क्या शामिल करें कि इनके शरीर और ब्रेन का विकास सही तरीके से हो। तो आइए आज हम बच्चों के भोजन में क्या क्या चीजें शामिल करें कि उनका विकास अच्छे से हो सके। मेरा नाम है अनीता और आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चे को खाना खिलाने को लेकर सबसे ज्यादा माँ परेशान रहती है। एक तो बच्चों को ना खाने को लेकर नखरे, साथ ही उन्हें ये परेशानी कि उन्हें क्या खिलाएं या ना खिलाएं। तो आइए आज हम इस परेशानी को कुछ कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ टिप्स हैं जो हमें फॉलो करना जरूरी है। कभी भी बच्चों को जबरदस्ती खाना न खिलाएं। बच्चों को कभी भी भूख से ज्यादा खाना न खिलाएं। एक ही तरह का खाना बच्चों को रोज न खिलाएं। इससे बच्चों का मन उब जाता है। बच्चों को उनका खाना मूड के हिसाब से ही खिलाएं। बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए आप अपने बच्चों को हरी सब्जियाँ खिलानी चाहिए। हरी सब्जियाँ में भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। इससे बच्चों का पाचन तंत्र भी ठीक रहता है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, चुकंदर, साबुत अनाज भी खिलाने चाहिए। बच्चों को रोज कोई एक ड्राई फ्रूट दें, जैसे बादाम, अखरोट, मुनक्का इत्यादि। अगर आप बादाम दे रहे हैं तो रात को 2 बादाम भिगो दें और उसे सुबह छिलका उतार कर कैसे भी खिला दें। और अगर आप अखरोट खिलाना चाहते हैं तो उसे भी फुलाकर खिला सकते हैं। अगर आपका बच्चा अखरोट खाना पसंद नहीं करता है तो आप अखरोट को हल्का भून लें और उसका पाउडर बना लें, और जब आपका बच्चा दूध पिए तब उसमें 1 चम्मच पाउडर मिक्स कर दें। इसी तरह से रोज अपने बच्चे को ड्राई फ्रूट्स खिलाएं। इससे आपके बच्चे के ब्रेन के विकास में काफी मदद मिलेगा। आपको अपने बच्चे को नियमित रूप से दाल देनी है, क्योंकि प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत दाल है। अगर आपका बच्चा शारीरिक रूप से दुर्बल है तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। बच्चे को रोज 1 फल जरूर खिलाएं। 1 ही फल लगातार न खिलाएं, इससे बच्चा खाने से कतराता है। इसलिए हर 2 दिन पर फलों में चेंजिंग कर दें, जैसे सेब, केला, नाशपाती, संतरा इत्यादि। अगर आपके बच्चे को नॉनवेज पसंद है तो आप उन्हें अंडे, चिकन, मछली जरूर खिलाएं। इससे आपके बच्चे को प्रोटीन मिलेगी जो आपके बच्चे का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। आप अपने बच्चों को जब ब्रेकफास्ट करवाते हैं तो उसमें दूध को जरूर शामिल करें, क्योंकि अगर आपका बच्चा अच्छे से नाश्ता नहीं करता तो कम से कम दूध से एनर्जी तो मिलेगी, क्योंकि बच्चे अक्सर ब्रेकफास्ट करने में आनाकानी करते हैं और काफी समय तक भूखे रहते हैं। ऐसे में दूध उन्हें एनर्जी देती है, साथ ही कैल्शियम की मात्रा को भी पूरी करती है। तो इस तरह से हम अपने बच्चों के खान पान पर ध्यान रखते हैं तो हमारा बच्चा मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से हेल्दी रहते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी जानकारी मिली हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं इस तरह के हेल्थ वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।